हम लोग पॉलिटिकली डिप्राइव है, इसलिए हम लोग एमएलए एमपी कुछ सीट में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम ये आज इस धरने के जरिए बताना चाहते हैं, हमारा जो इलाका है भूखंड है, वहाँ का हम लोग सोन ऑफ सॉइल है, लेकिन हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है सब छीन लिया गया। वो मर्जर एग्रीमेंट में रहते हुए भी वो राज्य डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि वो जो राज्य था उसका असम का और बंगाल में डिवाइड कर दिया। हम लोग का भी एक अलग जाति है कोच राजवंशी। अगर हम लोगों का अलग राज्य मर्यादा नहीं दिया, आप लोग के पास तो पैसा है नहीं जी, हम लोग बहुत वंचित आए क्योंकि कलकत्ता ने हमें बहुत कुछ दिया नहीं। असम का जो गेट है उसका हम पूरा ब्लॉक कर देगा, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी सरकार नहीं जाएगा। अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप वो पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि इन डिमांड्स ऑफ सेपरेट कमतपुर स्टेट शेड्यूल ट्राइब स्टेट एंड टू स्टार्ट प्लेस टॉक्स बिटवीन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो मुद्दा है एक तो सेपरेट स्टेट का है, दूसरा है कि इन लोगों को जनरल कैटेगरी से इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में जाना है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उस पोस्टर पे केएलओ लिखा हुआ है, केएलओ का क्या मतलब है? कोमटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोमटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उग्रवादी संगठन है, क्योंकि हमारा जो इलाका है भूखंड है, वहाँ का हम लोग सोन ऑफ सॉइल है, लेकिन हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है सब छीन लिया गया। क्योंकि भारत जब स्वाधीन हुआ था उससे पहले हम लोगों का अलग राज्य था, लेकिन जब 1947 में जब सब राज्य छोटा छोटा राज्य 500 से अधिक था राज्य, जब कुल मिला के एक बना के जो भारत सरकार भारत राष्ट्र बना, उस समय हम लोगों का भी अलग राज्य था। राज्य तो अभी भी आप लोग का अलग है? नहीं, हम लोगों का कमतापुर अलग राज्य था, कस बिहार हम लोग का राजतंत्र था, लेकिन हम लोग जब इंडिया के साथ शामिल हुए एक मर्जर एग्रीमेंट के जरिए, उस मर्जर एग्रीमेंट में हम लोगों का अलग राज्य का दर्जा था, लेकिन हमारा कोई अलग राज्य का दर्जा वो मर्जर एग्रीमेंट में रहते हुए भी वो राज्य डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि वो जो राज्य था उसका असम का और बंगाल में डिवाइड कर दिया, करके दो जिले में परिवर्तन कर दिया। तो अलग राज्य क्यों चाहिए? अच्छा खासा असम राज्य है, अच्छी खासी चीजें हैं वहाँ पे, सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, क्यों क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्यों अलग चाहिए, आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं देखिए, जैसे जंगल में शेर के लिए आरक्षण है ना, वैसे हम लोग का भी एक अलग जाति है कोच राजवंशी। अगर हम लोगों का अलग राज्य मर्यादा नहीं दिया, एसटी अगर नहीं दिया, तो आने वाले समय में जो ग्लोबलाइजेशन का समय है इसमें हम लोग का जो जाति है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जाति को बचाने के लिए भविष्य में हम लोग का जो जाति है, हम लोग अपने आप को गर्व से अपने जात का परिचय देके हम लोग का अलग राज्य का डिमांड है। जाति क्या है आपकी? कोच राजवंशी। राजवंशी है? राजवंशी, कोच राजवंशी है, राजपूत है। हाँ राजपूत जी। अच्छे से जी, आप लोग के पास तो पैसा है? नहीं जी, हम लोग बहुत वंचित आए क्योंकि कलकत्ता ने हमें बहुत कुछ दिया नहीं। हमेशा से राजवंशी थे या पहले शेड्यूल ट्राइब में थे? राजवंशी जो है उसके लिए हमारा राजा जो है मतलब बहुत कुछ। इन्होंने बोला था कि हम लोग पहले शेड्यूल ट्राइब थे, उसके बाद हम लोग को जनरल में डाल दिया। नहीं हम लोग इधर देखिए, कोई कोई यहाँ से बंगाल से भी आया, बंगाल में अभी वो शेड्यूल कास्ट में है, एससी में है, असम में हम लोग ओबीसी में है, जैसे मेघालय में एसटी में है। अच्छा, आप लोग अभी ओबीसी में हैं? असम का जो कोच राजवंशी है वो ओबीसी में है, जो मेघालय में है अभी आप लोग ओबीसी में है? हम असम का जो है वो ओबीसी में है, बंगाल का जो है वो जनरल में नहीं है ना? बंगाल में जो है वो एससी और मेघालय में जो है वो एसटी है। तो आप लोग जनरल कैटेगरी में तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। और हम लोग का जो भारत स्वाधीन होने के बाद जो हम लोग का अधिकार था, ओबीसी को तो 27% आरक्षण है, 27% आरक्षण है ओबीसी, आरक्षण है, लेकिन हम लोगों का पॉलिटिकली डिप्राइव है। हम लोग पॉलिटिकली डिप्राइव है, इसलिए हम लोग एमएलए एमपी
कुछ सीट में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका? असम का जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, वो कौन से कास्ट में? वो तो जनरल कास्ट में, जनरल में सारे जगह जनरल। बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये दो सरकार हम लोग का कोच राजवंशी को निधन यज्ञ कर रहा है। जो निधन यज्ञ है ये रोकना चाहिए। ये हम प्रधानमंत्री को हम ये आज इस धरने के जरिए बताना चाहते हैं। ये जो असम और बंगाल का जो तृणमूल का जो सरकार है ममता बनर्जी और असम में जो बीजेपी का सरकार है, इस दो सरकार ने हम लोगों का जो निधन यज्ञ शुरू किया ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और हम लोग का जो अधिकार है, हमारा ऐतिहासिक कमतापुर पुनर्गठन। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जनरल वालों को जो है अधिकार है, ओबीसी एससी एसटी को अधिकार नहीं? हम लोग का असम का जो जगह है ना भूखंड, वो थोड़ा अलग तरीके का है। हम लोग का जो अंचल है वहाँ में सब एमएलए एमपी सब रिजर्वेशन में, एसटी में, एसटी में रिजर्वेशन, लेकिन वो तो जनरल में है। नहीं, सुनिए, हम लोग का सीट तो क्या उस जगह का, हम लोग सोन ऑफ सॉइल है, भूमि पुत्र है, लेकिन हम वहाँ में एमपी नहीं करा हो सकता, एमएलए नहीं करा हो सकता, क्योंकि हम लोग ओबीसी में है। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री तो जनरल कास्ट वाले हैं। नहीं नहीं, वो तो दूसरा सीट है, वहाँ का एमएलए का 126 सीट है, वहाँ में 30 सीट एसटी के रिजर्वेशन में। लेकिन बीजेपी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, ओबीसी की सरकार है, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है वो ओबीसी माँ के बेटे, वो अपने आप को कहते हैं हम ओबीसी, हम दलितों और पिछड़ों को जो है आगे बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। असम में अब सपा कानून था, जिसको अब सपा कानून के बारे में आप जानते होंगे कि डिस्टर्ब एरिया में लगाया जाता है, तो वहाँ से अमित शाह भी गए थे, कहा था कि हम लोग जो है इसको हटा देंगे। असम के लिए लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं, तो आप लोग फिर भी एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पे? नहीं, देखिए, ये जो बीजेपी का मोटिव है ये राष्ट्रवाद की तरफ है। भारत सरकार सब भारतीयों को नजरअंदाज में रख के ये डिसीजन लेता है, लेकिन हम लोगों का जो एरिया है छोटा एरिया, अगर हम लोग बृहद आकार में देखने जाएंगे तो वहाँ का जो छोटा कास्ट है ना वो डिप्राइड होता है। इसलिए एकदम ग्रास रूट से चिंता करना चाहिए, बृहद आकार में चिंता करके फायदा नहीं। ग्रास रूट से छोटा जो कम्युनिटी है उनका बारे में भी, क्योंकि यहाँ जो है वो पॉलिटिकल है, गणतंत्र देश है, ये गणतांत्रिक देश में आपका अगर संख्या नहीं होगा तो आप डिप्राइड होना एकदम जरूर है। आपका संख्या नहीं है तो आप डिप्राइड होंगे। देश में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें ओबीसी एससी एसटी बहुत ज्यादा संख्या में, तो आपको क्यों डर लग रहा है? नहीं, ओबीसी का संख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ देखिए नेपाल से जो गया है गुरखा, तो आप उस देश को उस राज्य को अलग क्यों कह रहे हैं? सारे जितने भी देश में ओबीसी एससी एसटी झारखंड को समान आरक्षण मिलेगा। दूसरा राज्य से जो वहाँ माइग्रेटेड हुआ है वो लोग भी ओबीसी में है। हम लोग जो सोइन ऑफ सॉइल है, हम लोग तो एक कम्युनिटी है ना सोइन ऑफ सॉइल, लेकिन दूसरा राज्य से जो माइग्रेटेड हुआ है हम लोग का जो अधिकार है वो लोग छीन रहा है, इसलिए हमको एसटी पाना जरूरी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि एसटी में आपको जाना है? एसटी नहीं, एससी में जाना है। बंगाल का है, बंगाल से, बंगाल में तो अच्छा काम हो रहा है। हम नहीं बोलते है, दूसरा लोग है ना, दूसरा लोग। कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आया है, कामतापुर राज्य डिमांड के लिए। कौन सा राज्य के लिए? हमारा कामतापुर राज्य डिमांड के लिए आया है। क्या चाहिए आप? बंगाल में तो अच्छा काम हो रहा है। उत्तर बंगाल से आया हूँ। कहाँ से? हम लोग की असम कोकराझार से आया है। हम लोग का मांग है एसटी स्टेटस और सेपरेट स्टेट कमतापुर। लेकिन वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, क्या दिक्कत है? बीजेपी की सरकार है, सब कुछ ठीक है। क्या अच्छा काम चल रहा है? ये तो काम कोई अच्छा चल रहा ही नहीं। हम लोग का पहले जो स्टेट था, हम लोग का सी कैटेगरी का स्टेट, वही हम लोग मांग रहा है जो पहले हम लोगों का था। पहले आप लोग का क्या था? हम लोग का पहले कुछ बिहार स्टेट था, वही कुछ बिहार स्टेट हम लोग को चाहिए।
आप लोग को एसटी भी चाहिए, एसटी भी चाहिए, हाँ वो दोनों चाहिए। हम लोग बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है और आप लोग लगातार उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। देखिए बीजेपी जो सरकार बनाया उसका आगे जो मैन्युफैक्चर उसने तैयारी किया था उधर लिखा था असम का जो कोस राजवंशी है उसका एसटी मिलेगा और उसका जो सेपरेट स्टेट मांग रहा है उसके बारे में वो हमारा साथ त्रिपक्षीय आलोचना करेगा। किंतु वो दुख का बात है, वो जीतने के बाद हम लोग का जो डिमांड है उसके बारे में सांसद ने एक बार अभी तक नहीं उठाया, इसलिए हम लोग धिक्कार देता हूँ बीजेपी सरकार को। हम लोग का जो लीगल डिमांड है उसका आप पार्लियामेंट में पास कीजिए और जल्दी जल्द हमको एसटी और सेपरेट स्टेट दीजिए, नहीं तो हम लोग इसके बाद असम का जो गेट है उसका हम पूरा ब्लॉक कर देगा, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी सरकार नहीं जाएगा। हाँ क्या लग रहा है, एक मिनट, बीजेपी सरकार नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएगा? नहीं देखिए, अगर हम लोग का दावी नहीं मानेगा तो हम लोग बीजेपी सरकार को उतार देगा उधर से। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पूरे भारत देश में अच्छा काम कर रही है और बार बार वही आएगी। देखिए मैंने बोला था वो उसका जो इलेक्शन का टाइम मैन्युफैक्चर प्रस्तुत किया था उधर लिखा था, हम लोग का पास डॉक्यूमेंट है अभी तक, जब उन्होंने बोला था जो कोस राजवंशी का एसटी जरूर मिलेगा और सेपरेट स्टेट के बारे में वो त्रिपक्षीय आलोचना करेगा। जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था तो आप लोगों से ऐसा बोला गया था कि आप लोग को राजवंशी जो है उन लोग को शेड्यूल ट्राइब में हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे। देखिए अगर हम लोग का जो डिमांड है वो फुल प्लेजर नहीं करेगा तो हम लोग और सोचेगा बीजेपी को क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ जी, प्रयोजन पड़ेगा तो बीजेपी को उतार देगा हम लोग। हम लोग का जो दाबी है वो नहीं मानेगा तो हम लोग तो बीजेपी का अगेंस्ट करेगा। तो देख सकते हैं ये लोग असम से आए हुए, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में जाना है, वहाँ पे जो है ये लोग राजवंशी समाज यानी कि ओबीसी में है और इन लोगों को आरक्षण चाहिए काम के लिए। और जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे असम में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये लोग इसी को लेके धरने पर हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों की मांग कब तक पूरी होगी और कब तक इनको न्याय मिलेगा? अगर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनी तो असम से सरकार को फाड़ के फेंक देंगे, तो आपकी पूरी इस वीडियो पे, पूरी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।